उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, जो हमारा फंक्शन है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट एक फंक्शन दोस्तों, एक पिक्चर की तरह फंक्शन है। मतलब जैसे कि हम पिक्चर अगर कोई इंटरनेट से डाउनलोड किए तो हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट करवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लिप आर्ट एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही आपको छोटी छोटी पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप सर्च करिए जो पिक्चर आपको चाहिए। बट ये पिक्चर आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर हो गया, अर्थ हो गया, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर जो आप जनरल यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप उस पर क्लिक करें, जैसे गो करेंगे तो आपकी पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर आप यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे आप पिक्चर कोई भी लेके आते हैं, मैंने आपको बताया फॉर्मेट का टैब मिलता है, और सबसे पहला जो कमांड यूज़ करनी होती है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करके, आप इस पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शेप्स के बारे में। आज मैं दोस्तों आपको शेप्स में एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। बिल्कुल हर तरीके की शेप हम यहाँ पे सीखेंगे, और हम मैक्सिमम सीखेंगे कैसे हम शेप का यूज़ करते हैं, कौन से कलर कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक शेप ड्रा करना चाहूँगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, समझाने के लिए मैंने ड्रा कर दिया। जैसे आप रेक्टेंगल ड्रा करते हो, आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट का टैब मिल जाता है व्यू के बाद। दूसरी बात कि ये जो रेक्टेंगल आप छोटा ड्रा करें, बड़ा ड्रा करें, आप बाद में भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी भी कॉर्नर से पकड़ के। और तीसरी बात कि इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे मिलती है। आप इसका साइज़ अगर अपने हिसाब से रेक्टेंगल का साइज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी ये इंचिस में है, तो आप यहाँ पे इंचिस में भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कितने इंच रेक्टेंगल रखना है, कितने इंच नहीं। जर्नी हम आइडिया से ही लेते हैं, बट अगर करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट की बात करें, अगर हम बात करें इसके अंदर कलर भरने की, तो वो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन, पहले हम इसके अंदर यहाँ पे कोई कलर भरना है तो यहाँ से हम इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे कलर नहीं भरना, मुझे कोई पिक्चर फिल करनी है, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर लेके इंसर्ट कर देंगे, तो इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर पिक्चर फिट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करता तो वो पिक्चर बड़ी होती और पूरे पेज पे आ जाती, इस रेक्टेंगल के अंदर फिट नहीं आती। बट फॉर्मेट टैब से यही फ़ायदा है कि जो इस रेक्टेंगल के अंदर आपको भरना है, चाहे कलर भरना है, पिक्चर भरनी है, कोई ग्रेडियंट का यूज़ करना है, तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए जैसा ग्रेडियंट दिख रहा है वैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे शेप फिल के अंदर आप फिल का मतलब इसके अंदर जैसा भरना है कलर, आप मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करें, आप खुद भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। वन कलर का यहाँ पे ऑलरेडी है, आप वर्टिकल रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको साइड पे दिखाई दे रहा है, जैसा आपको सैंपल दिखाई देगा वैसा ही आपका यहाँ पे आप ओके करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा टू कलर ग्रेडियंट कैसे बनाया जाता है। टू कलर पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट कलर मान लीजिए मैंने येलो रखा, सेकेंड कलर मैंने ब्लैक रखा, तो ये देखिए इसका एक ग्रेडियंट मिल रहा है। हॉरिजॉन्टली रखना है, वर्टिकल रखना है, फ्रॉम सेंटर रखना है, जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे भर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा यहाँ से हो जाती है, बट हम यहाँ पे जल्दी ये दो कलर फिल करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं मोर ग्रेडियंट पे जाके आप प्री सेट भी ले सकते हैं। प्री सेट मतलब इसमें ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, तो कैसा प्री सेट चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नाइटफॉल चाहिए, अर्ली सनसेट चाहिए, ये काफ़ी सारे अच्छे प्री सेट है इसमें। फ्रॉम द सेंटर चाहिए, जो आपको जैसा चाहिए होगा वैसा आप यहाँ पे रखें एंड देन ओके करें, अप्लाई आप कर सकते हैं, बट आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम टेक्सचर की। टेक्सचर इसमें ऑलरेडी पहले से होते हैं, आप इसमें से जाके कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं इस शेप के अंदर। और ऐसे ही आप जैसे यहाँ पे ग्रेडिंग किए थे, मोर टेक्सचर पे जाके आप यहाँ से टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्सचर के बाद पैटर्न की बात करेंगे। तो पैटर्न देखिए वही यहाँ पे ऑप्शन वही है, ये फिल इफेक्ट में ग्रेडियंट आया, फिर उसके बाद टेक्सचर आया, उसके बाद पैटर्न आ गया। अब हम पैटर्न तो लेना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ एक रेड कलर का पैटर्न आए, तो रेड कलर का देखिए पैटर्न आए, उसके साथ सेकंड कलर मैं चाहता हूँ येलो आए, तो ये देखिए पैटर्न चेंज हो चुके हैं। दो कलर डिसाइड करिए एंड देन उस पैटर्न को आप अप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात है, शेप फिल पे पैटर्न पे फर्स्ट कलर चूज़ करिए, सेकेंड उसका कॉम्बिनेशन चूज़ करिए एंड देन आप पैटर्न चूज़ करिए एंड उसके बाद ओके। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो चुका है।
अब ये जो बात हो रही थी शेफिल के बारे में, इस सारे रेक्टेंगल के अंदर की बात हो रही थी, जो अंदर कलर भरे जा रहे थे, लेकिन आउटलाइन की बात करें तो उसके बाहर भी एक आउटलाइन है जो हमने ड्रॉ किया था, जब रेक्टेंगल एक लाइन दिखी थी उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं उसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसकी विड्थ ज़्यादा कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मैं चाहता हूँ उसके बाहर कोई आउटलाइन नहीं आए तो नो आउटलाइन कर सकते हैं। विड्थ मैंने बढ़ा दी लेकिन कलर उसका ब्लैक है, अगर मैं उसका कलर रेड चाहता हूँ रेड कर सकते हैं, जो भी कलर चाहते हैं यहाँ से कलर भर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि वो लाइन नहीं आए, वो डॉट आए, आप डॉट इसलिए डॉट ले सकते हैं, मतलब आप जैसी लाइन चाहें, आप मोर लाइन पे क्लिक करके भी यहाँ पे लाइंस वगैरह आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो इस पर अप्लाई हो जाएगी। ये अंदर वाले कलर थे, ये समझ लो बाहर वाले। एंड इस पे भी आप लाइन पे भी आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब क्योंकि मैंने शेप बना दी है, इसी शेप को मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे लगा बनाने के बाद कि ये मैंने सारे इफेक्ट वगैरह लगा दिए और बाद में मुझे लगता है कि मुझे इसको चेंज करना है, तो आप सिंपल यहाँ से ही इसके ऊपर चेंज पे क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करेंगे वही पैटर्न, वो सारा कुछ आपका अप्लाई हो जाएगा और वो जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ बने बनाए ऑलरेडी हैं कि इसमें कलर भी आ जाएंगे, आउटलाइन वगैरह भी आ जाएगी, तो आप इसमें से ये ले सकते हैं, ये ऑलरेडी बने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ये नेक्स्ट कुछ हमारे ये फीचर्स आ रहे हैं, तो जब मुझे इसके ऊपर कोई और शेप बनानी है, जो कोई शेप बनानी है, तो हम यहाँ से फिर से वो शेप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों मैं कुछ आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। शेडो, जैसे आप इसमें कोई शेडो चाहते हैं आप यहाँ से शेडो दे सकते हैं, उस शेडो का कलर कौन सा चाहिए आप शेडो कलर में जाके यहाँ से खुद सेट कर सकते हैं। बट जो मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, टेक्स्ट रैपिंग के बारे में हम जान चुके हैं पिछले लेक्चर में, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अगर मान लीजिए टेक्स्ट रैपिंग के साथ आपका ऑलमोस्ट काम हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप टॉप बॉटम यहाँ पे स्क्योर ये अप्लाई करके देख लीजिए, तो आपका यहाँ पे जो काम है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, मतलब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैं जब आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पे शेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको शेप में कैसे एक्सपर्ट बना सकता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं कोई एक सर्कल लेता हूँ, कुछ भी कोई सर्कल लेता हूँ, जो सर्कल के रिलेटेड कोई भी शेप लेता हूँ, तो ये ओवल लिया, ये बिल्कुल गोल नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, फिर इसको ड्रा करना है। देखिए, बिल्कुल गोल बना। दूसरी बात कि अगर मैं कोई शेप लेता हूँ और उस शेप पे शिफ्ट प्रेस करके मैं अगर ड्रा करता हूँ, तो वो गोल तो बनेगा बनेगा, और उस शेप पे ध्यान दीजिए यहाँ पे एक जेलो डॉट आ रहा है, मान लीजिए ये देखिए जेलो डॉट आ रहा है। तो शेप फिल पे पहले मैं जाके कलर भरता हूँ, फिर आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो जेलो डॉट हमारा क्या करता है, उस शेप को चेंज करने में मदद करता है। देखिए, अगर मैं अंदर की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये शेप हमारी चेंज हो रही है। तो जेलो डॉट से हमने क्या सीखा कि हमारी जो शेप है वो चेंज करने में हेल्प करता है जेलो डॉट, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जो ग्रीन डॉट है वो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ, तो क्या होता है हमारा रोटेट वाला ऑप्शन आ जाता है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैंने ये ड्रा कर दिया, तो यहाँ पे भी दो डॉट आ रहे हैं और एक जेरो डॉट है, जैसे मैंने आपको भी बताया। इस एरो को देखिए मैंने चेंज कर दिया, और ये वाला रोटेट वाला देखिए, रोटेट वाला ही आपको साइन दिख रहा है और आप इसको रोटेट कर सकते हैं। एंड देन आप रोटेट तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा इंसर्ट टैब में शेप्स के जितने भी यहाँ पे कमांड्स आ सकती है वो हमने यहाँ पे सीख ली। बट एक फैक्ट आपको और बताना चाहूँगा कि कुछ शेप्स ऐसी हैं जिसका हम बड़ा यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये शेप है फ्री फॉर्म, तो ये काफ़ी अच्छी शेप है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, शेप बनानी तो है लेकिन इसमें कोई भी वो वाली शेप नहीं है जो मैंने बनानी है। आप अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो आप फ्री फॉर्म का यूज़ करिए। फ्री फॉर्म को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट बटन को प्रेस किया, ये लाइन सीधी जाती है।
एंड फिर से क्लिक किया, शिफ्ट को छोड़ दिया, थोड़ा सा बाहर आए, शिफ्ट बटन को प्रेस किया, फिर क्लिक किया एंड बाहर आए, शिफ्ट को छोड़ दिया भी मैंने, जैसे बाहर आए शिफ्ट को प्रेस कर दिया, फिर क्लिक किया, मतलब कि बाहर आने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके फिर हम क्लिक कर रहे हैं, तो उस शेप को हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम ख़त्म करते हैं, तो हमारी वो शेप बन जाती है। एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, और ये देखिए, मतलब यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल शिफ्ट प्रेस किया तो लाइन सीधी जाती है, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये लाइंस ऑटोमेटिक, आप जैसे जैसे आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे आपका ये हो जाएगा कम्प्लीट। एंड मतलब कहने का कि लाइन को जहाँ से ड्रा करना है वहाँ से क्लोज करना है, तो उसी प्रकार की शेप आप फ्री फॉर्म के साथ बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।